Und Sie aus dann? Yes. Yes. Can you please check it, my name? Akash. Thank you. Kapun Kap. Check-in कर लिया, passport दिया, पूरा 1260 बात लगा मुझे, आप rupees में convert कर लीजिएगा, और 500 बात extra deposit के तौर पे दिया, पर 1760 बात दिया मैं, और मुझे एक card मिल गया, 330 और दो कूपन मिला मुझे जो ब्रेकफास्ट के लिए सुबह मॉर्निंग टाइम में और लिफ्ट अभी खराब है जिसके कारण मुझे अभी सीढ़ी से जाना पड़ेगा तो देख दिखाता हूँ आपको यहाँ का हॉस्टल कैसे होता है नॉन का हॉस्टल ओके इज अ लॉकर या शू लॉकर शू लॉकर ओके टॉयलेट उस तरफ है लॉकर शू पहले बाहर ही खोलना है और एकदम शांत है मीडियम सेम है और ये है मेरा रूम 330 थैंक यू खाकुम खाप खाकुम खाप मतलब थैंक यू सीखना पड़ा थाईलैंड में आते हैं खुश हो जाते बड़े ये कैप्सूल होता है ना कैप्सूल जो अपन टैबलेट खाते हैं जस्ट लाइक उसी तरह से है ये हेलो अच्छा है काफ़ी बहुत बढ़िया है जस्ट बीच के सामने ही है एकदम नीचे जस्ट इसके नीचे है मैकडॉनल्ड्स सीरियसली बात बता दूँ थोड़ा सा पैसे दो अच्छी जगह में रहो कंफर्टेबल रहो इन्जॉय करो फालतू आप कम पैसे के चक्कर में जाओगे बिस्तर गंदा है टॉयलेट गंदा है सर्विस अच्छा नहीं है तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा कोई मतलब भी नहीं है और तो ऐसी जगह आप हॉस्टल में रह के इसे अच्छा थोड़ा पैसा दो अच्छी जगह रहो बहुत बढ़िया 7-Eleven स्टोर से अभी राइस एंड एग वाला एक छोटा सा पैकेट लिया आज पटाया नाइट मार्केट का पोस्ट शो कराता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा नाइट मार्केट होती है वॉकिंग स्ट्रीट जिसको कहते हैं बीच के पास ही है पटाया जस्ट लाइक पूरा वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं ये फेमस है ही वर्ल्ड के हर अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आते हैं अभी रेड सिग्नल है जैसे ग्रीन सिग्नल होगा क्रॉस कर लेता हूँ एक पानी का बॉटल रख लिया हूँ हॉस्टल में एक पानी का बॉटल दिया है और उसी में काम चल जाएगा ये तो पास ही में है जस्ट जाके फिर एक बॉटल ले लूँगा रिफिल कर लूँगा ओ सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे एक बोर्ड में एक बटन प्रेस करना पड़ता है आई थिंक शायद ये वो बटन जिसको आप प्रेस करोगे गाड़ी रुक जाएगी और आप आगे निकल जाओगे वाह बहुत अच्छा है नाइट का क्वालिटी थोड़ा सा डार्क आएगा एक्चुअली मेरा ये गोप्रो है तो थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इसका कम है आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे इसी में ही जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा ब्राइटनेस दिखाने के लिए और इस तरह बैक साइड में टैक्सी बहुत कुछ करेंसी एक्सचेंज पॉइंट ये है मेरे पीछे वॉकिंग स्ट्रीट का मेन गेट
दरिया के किनारे बैठा हुआ हूँ। वॉकिंग स्ट्रीट पूरा चल के आ गया, करीब 1 किलोमीटर के लगभग था। और काफ़ी सारे ग्रुप आते हैं यहाँ पे। मैंने देखा बैंकॉक में तो मैं स्टे नहीं किया था, पता नहीं, बट आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है पूरे थाईलैंड में पटाया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से बहुत से लोग एक साथ आते हैं ग्रुप में, कम से कम 50-100 लोग एक साथ आते हैं ना ग्रुप में। बढ़िया से यहाँ पे मतलब एक ग्रुप का एक टीम लीडर होता है आई थिंक, वो मतलब फॉलो करता है उसको सबको लेके, एक सेल्फी स्टिक जैसे एक डंडी लेता है, उसके आगे कुछ फ्लैग लगा हुआ देता है, फिर कुछ भी वॉट एवर जो भी है आप देख रहे होंगे शायद, कुछ ऐसे 50-100 लोग बस उसको पीछे फॉलो करते हैं।